मैं बी का होल स्क्वायर के बारे में बताऊंगा। ये मैं सबसे पहले हमने ए बी ले लिया, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी। अब हम इसका ए बी जो सा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी यूनिट क्वांटिटी हो सकती है। हम अब ए को कोई रियल नंबर लेंगे, वो हम लेंगे 3। और अगर हम इसके साथ सेंटीमीटर लगा दें ना 3 के साथ, तो ये एक क्वांटिटी बन जाती है। जैसे ये देखें, मैंने इसके साथ सेंटीमीटर लगा दें, मीटर लगा दें, और भी कोई यूनिट लगाए तो ये क्वांटिटी बन जाती है। जैसे मैं इसके साथ और बी जो सा हमारे पास है, ये हम इसको 2 सेंटीमीटर के ऊपर लेंगे। अगर हम 3 का ये 3 इसको बाद हम इसका फार्मूला ए का हम अगर स्केयर लेते हैं, तो हम यहाँ पे अगर 3 का स्केयर लें तो ये कितने बनते हैं, 3 का स्केयर कितने बनते हैं, 9। तो हम अभी यहाँ पे 9 करेंगे, 9 की यानी कि 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाई देखें। ये हमने 3 सेंटीमीटर लाइन लगाई, जो सेंटीमीटर हम करिए बाद ये किसी की रूट जाता है यहाँ पे। हम इसमें देखेंगे कितने हमने 3 को 3 से 9 ये बनते हैं 9 सेंटीमीटर। ये देखें, ये देखें इस साइड पे और 3 इस साइड पे, ये 3 और 3 का हम लेते हैं तो ये हमारे पास एक स्क्वायर की शक्ल में बन जाता है। यानी 9 हम भी दिया और भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये हमने इसमें 9 यानी कि 9 यानी कि सेंटीमीटर लगाए। ये देखें 1 2 8 और ये 9, ये हमने ये 9 सेंटीमीटर। ये अब हम यहाँ पे 9 लिखेंगे क्योंकि ये 9 ब्लॉक्स बनते हैं। अब हम बी का स्केयर लेंगे, बी का स्केयर आपको हमें पहले बताया था कि हम ये 2 लेंगे, और 2 का अब स्केयर लेते हैं तो ये देखें 2 का स्केयर, तो हमने यहाँ पर 2 का स्केयर लेना है। देखिए हमने ये भी 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की है, अब हम इसका ये बनाएंगे। ये देखें, इसके अंदर हमने 4 सेंटीमीटर, ये देख सकते हैं अभी हम इसके अंदर 4 सेंटीमीटर बनेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा पूरा एक स्केयर बन चुका है। ये देखिए 1 यानी कि बी का स्केयर जो सा आया वो हमारे पास 4, हमारा 4 स्केयर आ गया। अब हम ए को यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए जबे बी, तो अब हम ए जबे बी करते हैं तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब ये 3 मल्टी, ये अब ये अब रेक्टेंगल का एक एरिया आ गया। अब हम यहाँ पे इसको एरिया को यहाँ बनाएंगे, ये हमने ये देखे सेंटीमीटर की ये रेक्टेंगल की लाइन खींच ली है। अब ये देखें इसके अंदर हमें 6 ब्लॉक, ये 6 सेंटीमीटर बना है, आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ये देखें 6 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6। भगवान 2 और ये 6, ये हमारा ए बी का जो सा है ये रेक्टेंगल ही आया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसका दूसरी राइटर बनाए, देखें दो टायर है। अब हम इसको ये नहीं के प्लस, ये देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6। और अगर प्लस करते हैं ये नहीं के, तो ये प्लस 12, अगर हम करें तो हमारे पास देखिए। अब हम 3 का इसका इस 3 का स्केयर देंगे, तो
ये देखे हमने ये भी स्क्वायर बना लिया तीन का। एक दो सात आठ और ये नौ। हम लोग इसमें दो का जिसके चार सेट है। अब हम ये डबल बेंच अब हमारे पास बस ये दो रेक्टेंगल ही बन। अब हम के इस वाले एक ये तो हमारे पास के जो अब हम इसके ब्लॉक जो सेंटीमीटर रखेंगे यहाँ भी तीन पास इसका एरिया 25 है और जब हम लोग इसके स्क्वायर के एरिया को जमा करेंगे और इस 2 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर को एरिया को जमा करके जो जवाब आएगा उसका भी हम इसका एरिया इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया लेके उसमें जब जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब 25 आएगा। इसलिए हम यहाँ इक्वालिटी की अलामत डाल देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 25 और ये 25 हमारे पास बराबर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 25 इस 25 के बराबर है, इस 25 के बराबर है। तो इससे प्रूव हो गया कि ये स्क्वायर इसके अंदर 2 स्क्वायर हैं, इसको हमने फैक्टर में कर दिया। इसके अंदर फिर 2 ट्राइंगल इसको भी फैक्टर में तकसीम कर दिया और हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का फार्मूला प्रूव हो गया। क्लैपिंग बेटा।